जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में आज 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकीकरण के शिल्पकार भारत रत्न लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पूर्ण उत्साह एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, जिसमें जिलाधिकारी ने सरदार पटेल के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए और इस अवसर पर राष्ट्रीय एकता अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने हेतु शपथ दिलाई गई। सत्यनिष्ठा से शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूंगा और अपने देशवासियों के बीच यह संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूंगा। मैं यह शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूं, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्यनिष्ठा से संकल्प करता हूँ। जय हिंद। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने अपने संबोधन में कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्र निर्माता थे, जिनकी दूरदर्शिता एवं राष्ट्रीय निर्माण कार्यों द्वारा राष्ट्रीय एकता व अखंडता को सुदृढ़ किया जा सका तथा देश की आंतरिक सुरक्षा को मजबूती प्रदान हो सकी। उन्होंने बताया कि हम लोगों को देश की एकता अखंडता को बनाए रखने के लिए सत्यनिष्ठा से योगदान की जरूरत है। उन्होंने बताया कि आने वाली पीढ़ी को भी सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों के बारे में बताया जाए। इस अवसर पर जनपद में युवा कल्याण विभाग द्वारा एकता दौड़ का आयोजन विकास भवन से स्टेडियम तक किया गया, जिसमें पीआरडी के जवानों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर एडीएम प्रशासन सुरेंद्र सिंह सहित कलेक्ट्रेट के अनुभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी गण मौजूद रहे। तो उस समय जो ब्रिटिशर्स ने यहाँ पर जिस तरह की नींव रखी थी उसके 200 साल पहले की अवधि में, उससे तमाम जगह समाज में एक खाई सी बन गई, साम्प्रदायिक तनाव उत्पन्न हो गए। खासकर कुछ लोग हिंदुस्तान के विभाजन को पचा नहीं पा रहे थे या तमाम लोग इस बात के घोर विरोधी थे कि हिंदुस्तान का विभाजन किया जाए। लेकिन जो परिस्थितियाँ थी, जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य था, जो ब्रिटिशर्स की सोच थी, उसके तहत अल्टीमेटली ये तय हुआ कि हिंदुस्तान को दो भागों में बांटा जाएगा, पाकिस्तान और इंडिया के रूप में हिंदुस्तान के रूप में, और तमाम जो देसी रियासतें थी उनको आज़ादी दी गई कि जिसमें चाहे वो शामिल हो सकते हैं अपनी सुविधा अनुसार। लेकिन वो व्यक्तित्व तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे कि जिन्होंने आज जो हिंदुस्तान का हम स्वरूप देख पा रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा रोल सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा। उन्होंने जितनी रियासतें थी, जिन्होंने ये कल्पना भी करने की सोची कि हम पाकिस्तान में मिले, उसको काफ़ी कठोरता से उन्होंने उसको साल्व करने का प्रयास किया, जिससे हिंदुस्तान का और विभाजन नहीं हो सका और हिंदुस्तान एक मजबूत डेमोक्रेसी के रूप में विश्व के सामने उपस्थित है। तो उनके प्रति सम्मान प्रदर्शन करने के लिए आज राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में आज के दिवस का आयोजन किया जाता है।